वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर में मौलाना ने कहा है कि अपने मदरसे में मुफ्त में बिना फी के इलम की तालीम दी जाएगी। क्या कहते हैं मौलाना, देखिए। सानवार मुस्तफ़ा केजीएन ट्रस्ट नागरपुरी मोहल्ला शहर बीजापुर में वाक़ है। तकरीबन कम व बेश ये मदरसा 14 साल से चल रहा है। हर साल इस मदरसे का एनुअल फंक्शन सालाना जलसा मनाया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह कम व बेश 160 के करीब यहाँ पर तलबा व तालिबात हाजिर होते हैं इल्म हासिल करने की गर्ज़ से। लिहाजा इन तमाम बच्चियों के लिए माकूल तालीम का इंतज़ाम हमारे इस मदरसे में किया गया है और अल्लाह के फजल व करम से बेहतरीन असातिज़ा और मुअल्लिमात इस खिदमात को अंजाम देते हैं और ये मदरसा बच्चों की सहूलत के लिए, खुसूसन क्योंकि आज के इस दौर में असरी तालीम की भी बेपना सख्त ज़रूरत है और खुसूसन हमारे अपने माशरे में दुनियावी तालीम की हमारे बच्चों के अंदर काफ़ी हद तक कमी है। लिहाजा हमारे बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ हमें दीनी तालीम भी भरपूर देने की कोशिश करनी चाहिए। इसी गर्ज़ के साथ के बच्चे जो स्कूल वगैरह जाते हैं और वो दीनी तालीम हासिल करने के लिए मदरसे की तरफ रुजू करें और लिहाजा इन बच्चों के लिए वक्त की कुछ कमी बेशियाँ होती हैं, इन बच्चों की सहूलत के लिए इस मदरसे को हमने 3 अवकात पर डिवाइड किया है। सुबह 7 बजे से लेकर के 7:45 तक ये मदरसा सुबह के 1 वक्त चलता है। फिर 4 बजे से लेकर के 5:30 तक एक जमात एक क्लास चलाई जाती है। फिर 5:30 से 7:30 तक एक क्लास चलाई जाती है। इन तमाम क्लासेस में हर तरह के बच्चों के लिए इल्म दीन हासिल करने की हमने सहूलत मुहैया कर रखी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे एक बड़ी तादाद तालिबात की है और इन तालिबात के लिए हमने माकूल इंतज़ामात किए हुए हैं पढ़ने के लिए और ये बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेहनत के साथ इल्म दीन हासिल कर रही हैं और ये बड़ी खुशी की बात है कि बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ जो हमारे यहाँ तालीम इल्म हासिल कर रहे हैं उन कई बच्चे बच्चियों में अम्मा पारा मुकम्मल हिफ्ज करने के साथ साथ कई बच्चियां 2-2, 3-3 पारे की हाफिज़ा हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मालूमात दीन की उनको हासिल हो चुकी हैं। मज़ीद और ये सिलसिला जारी रहेगा। लिहाजा तमामी जो भी हजरात हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए हमारे इस मदरसे के दरवाज़े खुले हैं, अपने बच्चों को आप यहाँ पर भेज सकते हैं। रहा सालाना जलसा, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह के फजल व करम से तकरीबन 10 साल से चल रहा है। 2 साल कोरोना की वजह से नहीं दे रहे थे लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह अभी हाल फिलहाल में हमने 12 तारीख 12वां महीना 2021 को बरोज़ इतवार संडे को हमने प्रोग्राम मनाया। अल्लाह के फजल व करम से ये प्रोग्राम बड़ा कामयाब रहा और इसमें खुसूसन बच्चों ने बेपना मेहनत व मशक्क़त के साथ दिलचस्पी ले करके इस प्रोग्राम के लिए अपनी तैयारी की और बड़े ही प्यारे अंदाज में बच्चों ने कुरान पाक की तिलावत की और बड़े प्यारे अंदाज में प्यारे आका जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाते पाक पढ़ी और लोगों ने काफ़ी सराहाया और काफ़ी पसंद किया और इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने अपनी मालूमात के मुताबिक बेहतरीन तरीके से
प्यारे अंदाज में तकारीर को पेश किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी के साथ साथ हमारी काविश एक ये भी है कि हमारे अपने बच्चे जहां हमारी अपनी उर्दू जुबान में तकरीर करते हैं, नात पढ़ते हैं, हमारी कोशिश ये भी है कि हमारे बच्चे कर्णा में अंग्रेजी में तकरीरें करें। लिहाजा अगर आप हमारा इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे इस मदरसे के तलबा और तालिबात ने कर्णा में भी तकरीरें की हैं, अंग्रेजी में भी तकरीरें की हैं और साथ ही साथ कर्णा में नात पाक का भी एहतमाम किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से वालिदैन ने बड़ी दिलचस्पी के साथ इस प्रोग्राम को सराहा और काफ़ी देर तक ये प्रोग्राम चलता रहा। 4 बजे से प्रोग्राम शुरू हुआ और रात 10:30 बजे तक ये प्रोग्राम चलता रहा और तमाम लोग इस प्रोग्राम को देखने के लिए 4 बजे से 10:30 बजे तक बैठे रहे और बड़े ही सब्र और तहम्मुल के साथ और बड़े जज्बे और शौक के साथ इस प्रोग्राम को देखते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल व करम है, हमारा ये मदरसा मदरसा अनवार मुस्तफ़ा KGN ट्रस्ट अल्लाह के फजल व करम से बग़ैर किसी फीस के चलता है। हम अपने बच्चों से कोई फीस नहीं लेते हैं बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को हम इल्म दीन सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमारे इस सिखाने को कबूल फरमाए, हमारे असातिज़ा को हमारे मुअल्लिमात को अल्लाह तबारक व ताला हर तरह से बरकतें और रहमतें अता फरमाए और खुसूसन इस तमाम मदरसे के पीछे नागाबुड़ी बरादरान और KGN ट्रस्ट काफ़ी मेहनत और दिलचस्पी के साथ लगे हुए हैं और भी काफ़ी लोग इसके मोहसिन हैं, खैर ख्वाह हैं, तमाम लोग अपनी जानिब से कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से यह मदरसा काफ़ी तरक्की के साथ आगे बढ़ रहा है। आप तमाम हजरात हमारे इस मदरसे का ताउन करते रहें, अल्लाह तबारक व ताला का फजल रहा और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफिल से इंशाअल्लाह ये मदरसा काफ़ी उरूज तक पहुँचेगा। और उम्मीद है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से कई तलबा तालिबात हमारे यहाँ से सीख करके अभी दूसरे तरफ सिखा भी रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि इल्म दीन को हम आम करें। प्यारे आका जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से हमारी अपनी नस्लों को, उनके दिलों को हम हुजूर की मोहब्बत से लबरेज करें। अल्हम्दुलिल्लाह काविश हमारी है और आगे चलती भी रहेगी। अल्लाह के फजल व करम से ये तलबा तालिबात जो पढ़े हुए हैं वो पढ़ा भी रहे हैं और हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारे ये तलबा व तालिबात पढ़ें, इल्म दीन को आम करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की काविशों को कबूल फरमाए और दोनों जहानों में हम सबको अजर अजीम अता फरमाए और ऐसे कार खैर में हम सबको हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। उमा अलैना इल्लल बा। About the Eid Milad. Eid Milad is the day known is a day dedicated to the teachings of Prophet, who is referred as the messenger of God in Islam. Important as per the legends of Prophet was born on 12th of Rabiul Awal, and this day is marked as national holiday in many countries with Muslim population. The Shia community believes that the Prophet selected Hazrat Ali radiallahu anhu as his successor on this day. And the Sunni community commemorates the occasion by holding prayer meetings. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet and founder of Islam. He is the personality to whom the world is created. His father name is Abdullah and his mother name is Amina. Before his birth, his father passed away, and when he became 6, his mother passed away. And when his mother was at 5, he was nourished under the supervision of Bibi Halima. When he was young, he was famous for honesty and truthfulness. When 40 years, he was rewarded by the throne of prophets
and he was so honest that even his enemy kept their valuable things with him. And when he became 63, he was expired by saying his animals.